बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने वीडियो को अंदर से नहीं छोड़ना, ये छोटी सी वीडियो है। नाज़रीन, आज मैंने बकरी फार्मिंग के हवाले से कुछ अहम बातें करनी हैं। सबसे पहले नाज़रीन, अक्सर दोस्त पूछते हैं क्या हम बकरियों का फार्म बनाएं, इसमें कितनी बचत है या कितना नफ़ा है। तो सबसे पहले नाज़रीन, बात कुछ ऐसी है कि एक बंदा नाज़रीन मेरे पास आया, उसे नाज़रीन मैंने मशवरा दिया कि आप 30 बकरी रखें, यानी कि 3 मादियाँ रखें। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह 30 बकरियां उसने रखी हैं, 10 राजनपुर की, 20 हरोनाबाद की। उसकी हर बकरी ने नाज़रीन जो साल जब गुजरा तो उसकी जो 30 बकरियों में से 20 बकरियों ने बच्चे दिए और 10 बकरियों ने बच्चे नहीं दिए, यानी कि 20 बकरियों ने साल में बच्चे दिए। तो 20 बकरियां जो थी उनके जो बच्चे थे साल बाद उसने फार सेल किए, तो वो जो बच्चे थे उसके 3-4 लाख रुपए के फार सेल हो गए, यानी कि 30-30, 40-40 हज़ार के छोटे से बच्चे फार सेल हो गए। तो क्योंकि हरोनाबाद और राजनपुर की बकरियों का ज़्यादा रेट है, और ये जो टेडन बकरियाँ हैं ये 3-3, 4-4 बच्चे देती हैं, इसलिए उसने इनका दोबारा साथ में फार्म लगा दिया। तो नाज़रीन, बकरियाँ पालने का मैं तो आपको समझता हूँ कि एक लाख रुपया हो ना, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये आप लगाएंगे तो आपको 1 लाख रुपये मिलेगा। लेकिन बात ऐसी है कि आपको ने मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही मेहनत का फल मिलता है। ये नहीं करना कि आपने बकरियां रख दी, उनको घास नहीं डालना, वक्त पर उनको खुराक नहीं डालनी, तो फिर आपको कुछ बचा नहीं आएगी। तो आप मेहनत करें, बकरियां रखें, तो नफ़ा कमाएं। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।